एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबों को पता है कि सेमेस्टर 4 का जो गेस्ट क्वेश्चंस हमने बनाया था, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 5 में से 4 क्वेश्चंस जो है वो लॉन्ग में हमारे गेस्ट किए हुए हमारे क्वेश्चंस पर आ गए, ये गारंटी है हमारे चैनल पर बने रहने की। और हमारे चैनल एक भरोसेमंद चैनल के रूप में जाना जाता है। तो आइए, आज हम सेमेस्टर 6 का गेस्ट क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो होने वाला है ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और हम देखने वाले हैं कि ऑडिटिंग एंड गवर्नेंस के ऊपर कौन कौन से एग्जामिनेशन 2023 के अंदर बीबीएम के यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हो सकते हैं बीकॉम सेमेस्टर 6 के लिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इस बात की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम में पढ़कर पूरा जाना है, लेकिन ये 9 क्वेश्चंस जो हमने सेलेक्ट किए हैं ये पूरा थ्योरी पेपर है। आप अच्छे से इस 9 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से केयरफुल तरीके से करके जाइएगा। और अगर इसमें से किन्हीं को नोट्स ढूंढने में परेशानी हो रही है, अगर वो चाहते हैं कि उनका रेडीमेड नोट्स जो है उन्हें मिल जाए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसके नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, और उसमें एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस है, आप प्लेलिस्ट में जाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है वहां से जाकर आप चेक कर सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं आज 9 क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करते हो तो क्लास इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं हमें पहले पूरे वीडियो को सुनना है। बस ये 9 क्वेश्चन देख लिया आपने, डिसाइड कर लिया, और बाद में बैड कमेंट करोगे कि सर आपका गेस किया हुआ क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए पहले ध्यान से सुनिए, पूरी वीडियो को देखिए। 5 मिनट का वीडियो है, उससे ज़्यादा मैं लॉन्ग लूंगा नहीं आपका। देखिए सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ किसका ऑडिटिंग। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है, किसे कहते हो ऑडिट, लेखांकन किसे कहते हैं। इसके साथ साथ उसका डिस्कस करने के लिए कहा गया आपके फीचर्स बताइए और उसके ऑब्जेक्ट बताइए। फीचर्स का मतलब कि उसके गुण क्या है, और ऑब्जेक्ट का मतलब उसके उद्देश्य क्या है, यानी लेखांकन का गुण, लेखांकन के उद्देश्य और लेखांकन किसे कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस एग्जाम में, ये आपको बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, एक्सप्लेन वाउचिंग क्या होता है, इसके पर्पस क्या होते हैं, इसको भी ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। वाउचिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों तैयार करते हैं, तभी आप समझ पाओगे कि इसको हम बैकबोन क्यों कहते हैं। बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी, क्यों इसके सहारे आप खड़े रहते हो तनकर, समझ रहे हो बात ना। तो अकाउंटिंग का बैकबोन कौन है, वाउचिंग है, तो क्यों है वो आपको पढ़ना है। तो वाउचिंग उसके इंपॉर्टेंस को पढ़ोगे, तो वाउचिंग और उसके इंपॉर्टेंस को ही इसमें लिखना है। बस इसको लिखना क्या है, वाउचिंग का बैकबोन होता है, क्यों होता है, भाई बैकबोन होता है, क्यों होता है, वो आप इसके इंपॉर्टेंस को पढ़ोगे तो समझ जाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसको इवोल्वेट कैसे करते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे आप CSR भी कहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSR का, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और उसमें कहा गया है एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस और उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए, यानी इस CSR के अंदर क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस, क्या क्या प्रोविजंस किए गए, इसको आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कहता है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। रिमूवल को आप टर्मिनेशन भी कह सकते हो, यानी कंपनी एक्ट 2013 में किसी भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है और उस ऑडिटर को निकाला कैसे जा सकता है। यानी किसी ऑडिटर को आपने अपॉइंट कर लिया तो उसके क्या प्रोसीजर है, और अगर रख लिया और आपको लग रहा है कि ये ऑडिटर सही नहीं है तो उसको रिमूव कैसे करोगे, हटाओगे कैसे, तो उसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 में कौन कौन से प्रोविजंस दिए हैं, ये क्लास आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है, अकाउंटिंग इज नेसेसरी, अकाउंटिंग बहुत जरूरी है, लेकिन ऑडिटिंग जो होता है ना उसको कहा गया कि ऑडिटिंग जो है सर वो लग्जरी है। कैसे है, देखो बच्चों
ऑडिटिंग तो अकाउंटिंग तो कंपलसरी है सबों के लिए, लेकिन ऑडिटिंग भी कंपलसरी है, लेकिन किनके लिए? जिनका बिजनेस बड़ा है, टर्नओवर बड़ा है। लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए तो ऑडिटिंग लग्जरी ही होगा ना। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा रखने पड़ेंगे, है ना, कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट का कंट्रोल उसके ऊपर होगा। तो हम इन सब की वजह से इसको लग्जरी बोल सकते हैं। तो लग्जरी सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए लग्जरी। तो आपसे पूछा गया कि अकाउंटिंग नेसेसरी है, जरूरी है, क्योंकि हिसाब किताब तो सब लोग रखना चाहेंगे, फायदा नुकसान तो सब लोग पता करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग लग्जरी है। लेकिन कैसे है, किसके लिए है, वो आपको लिखना है। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? हाँ, हम अग्री करते हैं कुछ हद तक, क्योंकि छोटे व्यापारियों के लिए लग्जरी है, लेकिन बड़े व्यापारियों के लिए वो लग्जरी नहीं है। तो इसी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6। इसके साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, उनके आंसर्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद हम अगर आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है, व्हाट इज कंटिन्यूअस ऑडिट? कंटिन्यूअस ऑडिट क्या है, और उसके मेरिट्स को बताइए और उसके डिमेरिट्स को बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर बुक कीपिंग एंड बुक कीपिंग जब खत्म हो जाता है तो अकाउंटिंग की शुरुआत होती है, यानी वहां से लेखांकन शुरू होता, अकाउंटिंग शुरू होता है। और कहता है जब अकाउंटिंग खत्म हो गया तो ऑडिटिंग की शुरुआत होती है, यानी वेयर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बिगिन एंड वेयर अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग बिगिन, यानी बुक कीपिंग जहां खत्म होता है वहां अकाउंटिंग शुरू होता है, और अकाउंटिंग जहां खत्म करते हो वहां से ऑडिटिंग शुरू होता है। इस स्टेटमेंट को आपको क्या कहता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अकाउंटिंग इज लाइक अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हॉन्ट। अकाउंटिंग जो है ना वो एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है, ना कि भौंकने और काटने वाले कुत्तों की तरह, शिकारी कुत्तों की तरह काम करता है। आप कैसे कह सकते हो? देखो, जो अकाउंटेंट होता है वो कंपनी के सारे प्रॉब्लम्स को निकाल कर अपने मालिक को बताता है, ताकि वो बिजनेस के लिए सही डिसीजंस ले सके, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है क्लास, तो अकाउंटिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग आप कह सकते हो क्लास की क्या है, तो वो कहीं ना कहीं एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, ना कि एक शिकारी कुत्ते, ना कि एक भौंकने वाले कुत्ते की तरह काम करता है। क्लियर है ना। तो आज का हमारा ये 9 गेस क्वेश्चन है, एग्जाम के बाद आकर पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट शब्दों का चयन करके आप जरूर दीजिए, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि एग्जाम के बाद आप जरूर कमेंट करेंगे कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव। बस कमेंट जब करें तो अपने शब्दों का ख्याल रखें, मर्यादित रहें, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं आपसे अच्छी आशा करता हूं। हाँ, आलोचना करना आपका अधिकार है, अगर आपको लगता है कि हमने एक भी क्वेश्चन जो बताया वो बिल्कुल नहीं आया, तो आप हमारी आलोचना भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ। लेकिन मैं पूरी आशा उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ, और अपने पिछले रिकॉर्ड्स के अनुसार ये कह सकता हूँ, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, कि हमारे गेस्ट किए हुए क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपको एग्ज़ाम में सपोर्ट करते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन सपोर्ट करता है, तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, हमारे चैनल को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।